भारत माता की जय। भारत माता की जय। रोटी कपड़ा दे ना सके जो वो सरकार ने। ये तस्वीरें आप पीएचई एम्प्लॉयज को देख रहे हैं जो कि लगातार पिछले कई सालों से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी इनके द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से जल्द से जल्द लाई जाए और इनकी आवाज को सुना जाएगा। लगातार ये डिमांड है इनकी, और लेकिन अब तक कानून जो है सरकार के कानों तक, सरकार के कानों तक इनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। और ये आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं कि किस तरह से इनके द्वारा इनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है वो जल्द से जल्द लाई जाए। पिछले कई सालों से इनके द्वारा जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। क्या कारण है, क्यों नहीं पहुंच पा रही है? कई प्रदर्शन किए, कई प्रोटेस्ट किए, लाठियां भी खाई, लेकिन फिर से वही हालत इनके बने हुए हैं। जिस तरह से पहले के हालात थे उसी तरह से हालात अब भी बने हुए हैं, और लगातार जो है प्रोटेस्ट इनके द्वारा जारी है। वहीं पर जो हमारे साथ पीएचई के एम्प्लॉयज़ हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्या लगता है सर आपको कि और कितने दिन प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा? सरकार के कानों तक आवाज़ तो पहुंच नहीं रही है। सर सीधी गल है, अहें वो पर्दे भी पालने पे तो अस तैयार हाँ। 22,000 मुलाजम पीएचई का डेली वेजर है, अगर अदर मुलाजम भी जोड़ने हो तो 60,000 मुलाजम बनता है। जिस दिन ये 60,000 मुलाजम एक बार खड़ा हुई आ ते कोई चेयर सेफ नहीं लगी रहन, अगर साडा फ्यूचर सेफ नहीं रहा, अगर अहें भरपूर जवानी इस डिपार्टमेंट की दे जुड़ी तो फिर ओकड़े कन्न खोलना भी सानू आंदा है। अहें ओ त्रै बारी कन्न खोले भी है, एक सेक्रेटरी दा गिराव करिए, एक तवी दा पुल बंद करिए, ते त्रीया कंपनी बाग तुसीं कवरेज कीता होना। इस वजह नाल तरीके सानू सारे आंदे, मगर अस सोचने आ शांतिपूर्व तरीके नाल अगर मसला हल होइया ओ ज़्यादा अच्छा। अस आम जनता ही परेशान नहीं करी सकते, क्योंकि अस भी इस जनता दे सां, अस भी इत्थे जम्मू दे गै रौहने वाले आ। तो इस वजह ने इस जम्मू की जनता ने सानू बेहद प्यार है, अस उन्हें कुसै गल्ला परेशान नहीं करते, मगर प्रशासन चाहता है पर टकराव बदलना चाहिए, टक्कर जोरदार होनी चाहिए। तो मेरा 22,000 मुलाजम टक्कर मारने ते 22 तरीक फिर तैयार हो उस 22 तरीक की एक नवा कार्यक्रम, नवी अनाउंसमेंट उत्थे उस कार्यक्रम च होग। हूँ साफ स्पष्ट है, जिन्नी चिर थोड़ी पालसी नहीं इन्ने चिर थोड़ी घर वापसी नहीं, चाहे तो गोली खाने पवे, डांगा खाने पवन, जां प्रशासन पालसी दे ते जां बलिदान कर दिया सानू सारे की अस उस गल तैयार। अगर नहीं तो साढ़ा 20-22 साल का साहब करे जो साडा बंदा सानू दिया, एक आर्डर कड़ा सानू बाहर कड़ी दिया। इस डिपार्टमेंट की कौन लोग चलाते हैं? अस देखे कोविड के दौरान अजय कोविड कोसें दूर हा, ये अफसरशाही अंदरें छपी दी, वर्क फ्रॉम होम घर वर्क करा दे, पानी भी घर पिलाए जाते पे है। साढ़े लोग जोड़ा रेड जोन एरिया हा जिते तारबंदी की दी, पुलिस लगाई दी, उदे अंदर जाइए मेरे साथी सिर्फ एक बेकार जो कार्ड दसी है, ये कार्ड है साढ़े कोल, मैं तुम्हें कार्ड भी दसना। ये उस वे कार्ड इशू है सानू, ये कार्ड बगैर बंदे की दिखिए बंदा बीमार है ठीक है जां नहीं ठीक, सिर्फ एक कार्ड डीसी ऑफिस सानू एक एक बंदे इशू होइए तो उसे कार्ड दसना है। तो तुस कोविड के दौरान भी आई जा सकते, कोई नहीं लाया रोकन, क्रैफू के दौरान भी उसने ठीक ठाक काम लिया तुहाड़े कोला। जेल्ले तुहाड़ी रेगुलेशन पॉलिसी करने की बारी आई तो सरकार ने आख्या कि हुण तुहाड़ा काम है नहीं हो सकता है। सरकार की सप सूंघी है, जोल्लै करोना खत्म हुई आ अस अपना हक लगे मंगन, उल्टी साढ़े साथी की वेजिज भी रोकी गई, प्रताड़ित किया गया भाई तुस हक की मंगा दे अपने, लड़ा दे की जो तो चुप करिए की नहीं पाते इतने, मुर्दाबाद की आख दौ। साढ़े तीन उऐ सरकार उऐ प्रशासन साढ़ा जोड़ा साढ़े फेवर च खड़ोग, तो जोड़ा फेवर च नहीं वो चाहे BJP कांग्रेस NC PDP जोड़े भी हैं XYZ जिंदा ना है नहीं मगर पार्टी है, अस सारे का मुर्दाबाद करा रहे हैं, करते रहना जिन्नी चिर थोड़ी सू पॉलिसी नहीं दोग। साढ़े बच्चे ने बड़ी ना इंसाफी हुई, अहें अपना गोल्डन पीरियड इस डिपार्टमेंट की दे जुड़िया, अस अपने बच्चें की अच्छे ढंग ने परवरिश नहीं करी सका दे, ना टाइम की रोटी तो ना टाइम दियां बुकां तो ना स्कूल की फीस। अस लोग समाज सारे कोला दबे दे कुचले दे लोग, साढ़े 22,000 मुलाजमें कन्नै वह ना इंसाफी हो बधी है जिहड़ी कोई सोच ही नहीं सकती। कदे अस सोचने भाई अस ज इस भारत का हिस्सेदार हाँ, भारत के नागरिक हाँ, मगर जोल्लै जी एकड़ा साढ़े ने बर्ताव किया जाता बधुआ मजदूरी वाला, फिर लगता शायद अस
कोई सदाम ओह जिहड़ा मारी ना अफगानिस्तान च उत्थै उंदा सदाम सन ओहदे एरिए च कुतै रौंदे ने जिहड़े साडे पर छांटे बखरे बजे दे ते कम साडे कोल लैते ज्यादा मगर बेजिज नहीं पालसी नहीं ये आपे बेजिज भी ले लैंदे टाइम टू टाइम डीए टीए सब लै दे तो इनजायज जिंदगी दे ये करे दे ये बदुआ मजदूर बेचारा प्रताड़ित होता घरा भी ते डिपार्टमेंट चा भी ते सोशली भी इलेक्शन की तैयारी तो नहीं करा रहे सोचा रही सरकार इलेक्शन आन दियो कोल फिर कुदे अस सोच गए इंदे बारे च कुछ ऐसा इन्हें लॉलीपॉप फिर दे ओड़गे इंदी आवाज फिर चुप हो जानी है फिर बाद च दिखा जा जो काम जाना बिल्कुल तो सही आख्या जे इलेक्शन की तैयारी करा रहे पेंट कोट प्रेस करा रहे तो जो इन्हें हिमाचल च पता लगी जाना वह पेंट कोट फिर छपाली बैठे भाई धोखा नहीं चलना साडे डेली बेजरे ने खास कर कदे नहीं करना मैं इंजा भी जम्मू की जनता की गल करा कोई सोचता होग एन मौके पर शाट मारिए जम्मू की जनता खुश करिए बोर्ड लैते जाएंगे वो कता ही नहीं होना मैं इंजा भी आखा लोग बोर्ड अपना काम अगर टाइम पर बेटैमे करे हो ना कुछ का काम भी अस अगर बेटैमी सू पॉलिसी मिली बेटैमी का मतलब है मेरा कन्ने वाला साथी 60 साल होता वह बेचारा खाली हाथ घरे जा रहा मेरा साथी घर बार प्रताड़ित होता वह सुसाइड करा दा उदी तकलीफ मी नहीं होनी कई साथी थोड़े सुसाइड भी करी डेथ भी हुई उनकी मुआवजा वगैरह मिले सरकार को उन्हें क्या आख्या कुछ मैं आखा अगर वो लकड़ी भी देई उड़दे टाइम दी ते सरकार ते तां भी बड़ी बड़ी गल ही मुआवजे दी ते गल गै बड़ी दूर है मगर हुण वो साहब सारे होने जेडे साथी रिटायर होए उन्हें वन टाइम सैटलमेंट 10 लाख रुपया जेडे साथी सुसाइड करिए डेथ हुई काम करते करते उन्दे ताई भी 15 to 20 लाख की साड़ी डिमांड है उन्हें भी दिता जा तो जिन्हें करोड़ों रुपए की अपनी जमीन दी ट्यूबवेल लगाने तीन उसी लैंड केस आखिया जाता उसी भी गुमराह किया जा रहा उन्दा सारे हिसाब लैने तीन अस लोग ग्राउंड उतरे दे लगातार 6 महीने होने दिन 45+ टैंपरेचर है जुले की शुरुआत हुई मूवमेंट की तो कई ऐसे एरिए जिन्हें बर्फ पाती है वह -माइनस टैंपरेचर चलता उत्थे भी मेरे साथी काम करा दे अस सारे लोग हूँ तैयार अपना हक लैने वास्तै ये वास्तव चाहे गोली भी खाने पे कोई फर्क नहीं पाता अगर 2-4 होर भी बलिदान होने पे उन्दे प्रायोरिटी नंबर साडा रहो तो भी कोई फर्क नहीं पाता कम से कम साथी जो करने वाले ने उन्हें तो कोई बेनीफिट मिलेग उन्दे बच्चे दे अच्छा पालन पोषण हो सकग वो तो अच्छे देश के नागरिक बन सकन गए ये वो लड़ाई है मान सम्मान की लड़ाई है इमन हिशू तो इन्हें आता नहीं इन्हें आँदी अपनी जेब इंदी जेब भरोची दी इन्हें कोई ह्यूमनिटी नहीं उल्टा दबाया जाता भाई तू बेजिस की मंगा तू पॉलिसी की मंगा दा तो ये बहुत क्रूर राज चला दा आज तू पिछली सरकार है ना प्लस ये सरकार भी कुछ कोई फर्क नहीं पंज पै दा भी आखते हैं भाई जम्मू ने भेदभाव हो दा मैं तुंदे माध्यम से सुना दिया वो अज भी हो पा तुस क्या कहना चाहते कि आवाज जियां इन्हें आखिया कि दबाई जा रही है आवाज लगातार इं प्रोटेस्ट जारी रवा रहे लेकिन सरकारें तक रही है कि आवाज नहीं पुजा रही है आवाज बड़ी पजाई हूँ टाइम आई दा साड़ा भी हूँ इंदा भी टाइम आई दा हाथ पाई कोई याद कोई गल नहीं अस तैयार हाँ कि डिपका साहब कन्ने एक वादा होया हा कंपनी बाग जिस वेले बंद किया इंदे अफसरें दे सांसे फुली 12-14 घंटे बंद रहा लेकिन शर्म फिर नहीं आई इस वासन कन्नै ढिड नहीं भरोंदा कमेटियां बनाने कन्नै ढिड नहीं भरोंदा झूठे वादे कन्नै ढिड नहीं भरोंदा साड़ी इक्को गल है आई जाइए उ गल है साढ़े कन्नै धोखा साढ़े बच्चे कन्नै धोखा साढ़े कन्नै तो होया होया 24 साल का लेकिन साढ़े बच्चे कन्नै बड़ा बड़ा धोखा है अस उसी हुण माफ नहीं करगे तुस लक्षण आखा दे ये भुली जान लक्ष्मी भुली जान जेकी पेंट कमीजां जां चिट्टी तंबू लाइए फिरदे ना हुण टाइम साढ़ा आई दा असें लक्षण नहीं लड़नी है असें 50 बारी आखी तां असें कोई कुर्सी नहीं चाहिए असें कोई रियासत नहीं चाहिए अज जम्मू दे वासी आ जी एंड के दे साडे कन्ने तुस बड़ा भारी धोखा करा कर दियो मन्नी लाओ इलेक्शन दे पहले ने तुहानू तुहाड़े काम करी उड़े तुहानू रेगुलराइज करी उड़िया ते क्या वोट तुहाड़ा बीजेपी की जाग जां बीजेपी की पहले ही वोट दित्ता कोई काम नहीं 26 सीटां लईआं कुत्थों लईआं ने क्या काम कीता ने दसन ना पेनल्टी पर रखी थोड़ा काम करके अमित शाह और आए उन्हें भी आख्या प्रधानमंत्री और आए उधर बड़ी बड़ी रैली हुई 2014 च नुहाड़े बाद सरोर हुई तुसें भी कवर किया असें एक सरोर खजाने वास्ते एक इको किया हा तो दुए रोज 75 रुपये का बधाई डे न डरते है ना अस ये गल आखने कि अस कोई लड़ाई नहीं चाहते अस कख नहीं अस जनता ही परेशान नहीं करते अस कुछ परेशान करने वास्ते नहीं आए हैं लोगों ही पानी पिला करने गंदे नाले दे विच जाइए साढ़े बंदे जेके काम करदे न पैपां जाइए उत्थे जोड़दे न
उस वेल्ले घरें सुते होंगे, जिन्ना मर्जी ठंड होवे पी एच ई का मुलाजम जेका चार बजे उठिए लोगों पानी पिलाता, क्या इन्हें दुख दर्द नहीं आता? बंधुओं बंधु बनाए रखे अज भी, अज भी इे रही है। लेकिन साढ़े कोई और चारा नहीं, जा पानी बंद करचै जा रोड बंद करचै। अस अज भी जनता को माफ़ी चाहते हैं कि अगर लाइना की कोई प्रॉब्लम होती है इस वे डिपकाम एल जी साहब जेके साढ़े वो जिम्मेवार होंगे। अस डिपकाम अज भी आखने 22 तरीक कोला पहले पहले साड़ी गल जी है रेगुलर पालसी असी दी जा, लेकिन अस हूँ पिछे नहीं हटगे। सरकार की इट कने इट बजाई देगे, हूँ पिछे हटने वाले अस नहीं। अस बार बार इो गल आखने, अस कोई और चीज़ तो नहीं आखा करते हैं, क्या मंगा करना इंटर कोई? अस पाकिस्तान दे नहीं, अस कोई बाहर उठिए इतने आए हैं, हर फिर आइए आखी जाता विश्वास नहीं दिता भाई अस थोड़ा काम करने। लेकिन गल यह है कि अगर सरकार असें रेगुलर पालसी दी है, अगर नहीं दिंदी पालसी नहीं घर वापसी नहीं। शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। बड़ी बारी गल्लां होईयां रविंदर रैणा हुंदे कन्ने, एल जी साहब हुंदे कन्ने मीटिंग होईयां, उहे आश्वासन मिलता रहा, इस बार भी आश्वासन मिलेगा तुहानू? अगर तीन तुसें ठीक ठाक बड़े प्रोटेस्ट करी ओड़े, अगर अस गल करचै पुल बंद करी ओड़िया और भी जियां अहें प्रोटेस्ट ठीक ठाक लगातार किए, लेकिन ओहदे बाद इहो आश्वासन गै मिलदे न? इस बारी अगर तुस जियां आखा रहे हो कि हुण दुबारा बड़ा अंदोलन तुहाड़े कोला तुहाड़े जरिए होना है, तो अगर उहे सरकार ने फिर उहे सोचना कि नहीं दुबारा आखी ओड़गे लालीपॉप देई ओड़गे, क्या तुस लालीपॉप देखो जी मंजूर है तुहानू? देखो जी सर, तो पहले साड़ी आवाज अगे पहुंचाने वास्ते तुंदा शुक्रिया जी। अस छोटे छोटे होंदे हे ते एक खेल खेलदे हे, वो खेल के हा कि एक गोल तारा बच्चे बनांदे हे, ओहदे गोल गोल घूमदे हे, क्या आखदे हे को कलाश टापू, पता नहीं जुमे रात आई आ जेड़ा अगे पिछे दिखे ओहदी शामत आई आ लारे लारे लारे। अगर अस रोला पाने आ ते साढ़े पर प्रेशर पाया जांदा, अक मंगणे आ प्रेशर पाया जांदा, ਉਹ ਖੇਲ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਲ ਖੇਲਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ, ਇਹ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਕੱਢੀਏ ਫੜਾ ਉੜਦੇ ਝੂਸਦੇ ਰਹੋ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਅਸ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਭਾਈ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਠਾ ਜੀਭਾ ਹੀ ਲੜਿਆ ਚੱਟਦਾ ਰਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਜੀਭ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਥਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਭਾਈ ਵਾਕਿਆ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈਏ, ਮਿੱਠਾ ਖਤਮ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਈਏ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦਰੀ ਪਰ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹੀਏ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਸਰ ਮੇਰੀ 24 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 24 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਕੋਈ 18ਵਾਂ ਕੋਈ 20 ਦਾ ਕੋਈ 22 ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਬਣੀ ਇਹਦੇ, ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਿਓ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੂੜਾ ਲੱਭਾ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਹੋਈ ਇਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋਈ ਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਕਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਹਦਾ ਵੋਟ ਪਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਗਏ। ਕੁਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ? ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਨਸੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਡੀਪੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ੇਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਸੀ ਜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਟੁੱਟੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨੀ ਕਰਨਾ ਘਰ ਪਾਣੀ ਖੋਲਦੇ ਨਾ, 7 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ, ਲੋ ਆਦੇ ਪੀ ਐੱਚ ਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਆਈ ਆ ਪੀਤਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਦੇਖੋ, ਖੂਹ 'ਚ ਅੱਧੇ ਕੋਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਏ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨਾਂ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸੱਪ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲੋਹਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਹੈ, ਛੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਪੀ ਐੱਚ ਈ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੀਤੇ ਕੰਨਾ ਘੋਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦਲੇਰੀ ਕੰਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਚੀਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬੜਾ ਥੁੱਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਐੱਚ ਈ ਡਿਪਟੀ ਇੱਥੇ ਖਰਾ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਰ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੱਲ ਗਏ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਈਏ ਦੁਆਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਲੈਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਗੇ, ਇਹੋ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਲੱਭਾ? ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੈ।
कि कुछ नवा गै व्यक्ति लभग, लेकिन असें सोचा कि शायद साढ़े बारे कुछ सोचा जाएगा, लेकिन अफसोस की गल है साढ़े पूरे मंत्री शाम लाल शर्मा जी कमेटी के मैंबर बने दे, अस उनका वेलकम करने हैं। उन्हें पता है किन्ने दुखी लोग ने, जिन्ना उन्हें ही पता ना इन्ना कोई नहीं पता है, बाकी सरकार बाहर बनी है उन्हें सारा पता है ये लोग किस दौर चा गुजरे दे। हाँ जी, लख लख भंग होंगी है जिसे बंदा बिच बाल खोलता जाइए। एक मुड़े ही हूँ सप्प लड़िया पिछे बेचारे तला तिलो दे, गरीब आदमी बाल खोला उत्थे सप्प डसिया उत्थे मरी गया। हाँ जी, क्या अस लोग कीड़े मकोड़े आ? क्या अस लोग घरों निकलने जिले? अस भी फैमिली वाले हाँ, अस भी इंसान हाँ। ये लोग पता नहीं क्या समझेगा, कोई गल नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, समझिए सर जी। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने इनकी जिस तरह से बातें इनके द्वारा कही गई, इनकी मजबूरी एडमिनिस्ट्रेशन को समझनी चाहिए। जिस तरह से हर बार इनके द्वारा मीटिंगें की जाती हैं, एलजी साहब से बात करें, रविंदर रैना जी साहब से बात करें, हर बार मीटिंगें की जाती हैं, लेकिन हर बार इनको यही आश्वासन मिलता है कि हम आपकी डिमांड जो है वो पूरी करेंगे, लेकिन फिर भी कोई इनकी डिमांड पूरी नहीं होती। फिर से वही प्रोटेस्ट, यहाँ पर भी पीएचई ऑफिस की बात करें तो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, पिछले काफ़ी सालों से बैठे हुए हैं, और इनकी यही डिमांड है कि इनकी जो है रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाई जाए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी मांग जो है इनकी पूरी नहीं हो पाई है। पिछले कई इन्होंने बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन हर बार इनके प्रोटेस्ट को रोक दिया जाता था। क्यों रोक दिया जाता था? ये कहा जाता था कि जल्द से जल्द हम आपकी लिए जो है एक नई खुशखबरी लाएंगे, लेकिन खुशखबरी तो कोई भी नहीं आती। कमेटियां बिठा दी जाती हैं, हर वादे किए जाते हैं, और फिर से लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दिए जाते हैं। और आज आके अभी हाल आपने देख ही लिया होगा कि प्रोटेस्ट जारी है, पीछे बैनर लगाए हुए हैं, और हर बार बैनर लगा के इनके द्वारा सरकार को जो है आवाज़ सुनाई जाती है, कान खोले जाते हैं ताकि सरकार जो है नींद से जाग सके। अब देखना यह है कि अब इनके द्वारा एक और प्लानिंग बनाई गई है कि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो सरकार के खिलाफ किया जाएगा, और इस बार का जो प्रोटेस्ट है वो सरकार जो है याद रखेगी। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह का प्रोटेस्ट इनके द्वारा किया जाता है और सरकार क्या नींद से जागती है। तो इसी तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिल।